Now next C program based on string conversion operations. String conversion operations के केस में जस्ट मैं प्रोवाइड क्या करूँगा, array to integer conversion और character array और string to integer conversion. Suppose that अगर आपके पास कोई string available और इसे string के अंदर numeric digits available हैं, like that 251. अगर इस टाइप से आपके पास कोई string के केस में digits found हो रहे हैं, इस string को मैं logically consider कर रहा हूँ as numeric string और numeric digits. This string containing only numeric digits. Just in case, अगर आप directly कोई arithmetic operations perform कर दो, like that, divided by 10, is it valid operation or invalid? Invalid. क्या string के केस में just space for replace क्या हुआ? It's base address. इस केस में real में division किसका हुआ? Base address का. Clear? जबकि required क्या है? Real में मुझे integer number 10 से divide करना. तो इस केस में just सबसे पहले required क्या हुआ? इसे given string को convert किस में करा हुआ? Into equivalent integer number. Then इस केस में जस्ट आपको required क्या हुआ? Array to integer conversion और string to integer conversion. तो जस्ट इस प्रोग्राम के थ्रू जस्ट प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ? Conversion between string to integer. मीन्स ये ऑपरेशन आपके लिए काफी यूजफुल ऑपरेशन है. मीन्स सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड क्यों आएगी. जस्ट सपोज दैट सी लैंग्वेज के अंदर आप कमांड फॉर्म से कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू कोई भी डेटा रीड कर दे, कोई भी एलिमेंट रीड कर दे यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स टू द मेन फंक्शन. जस्ट ये टॉक में सेपरेटली डिस्कस करूंगा एंड ऑफ एरे प्रोसेस कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. कमांड लाइन आर्गुमेंट में कह रहा था रन टाइम पर अगर आपने कोई भी मेन फंक्शन के लिए इनपुट प्रोवाइड किया यूजिंग कीबोर्ड, ये सारे के सारे इनपुट ऑल स्ट्रिंग के फॉर्म में सप्लाई होते हैं. सपोज अगर इस स्ट्रिंग के अंदर आपने न्यूमेरिक डिजिट सप्लाई किए, न्यूमेरिक डिजिट्स भी कंसिडर किया ऑल्सो स्ट्रिंग. इस टाइप के केस में आपको रिक्वायर क्या हुआ? एरे और स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन. वन मोर केस, अगर आपने किसी वेब एप्लीकेशन की बात करें और GUI एप्लीकेशन बात करें, GUI के अंदर आप इनपुट किस फॉर्म लेते हो? यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस. इस टेक्स्ट बॉक्स के केस में जस्ट मैं परफॉर्म क्या कर रहा हूँ? एडिशन ऑपरेशंस और दिस इज सम कैलकुलेटर ऑपरेशंस. तो इस केस में टू नंबर को इनपुट कराने के लिए यूज किया गया जस्ट टू टेक्स्ट बॉक्स. टू टेक्स्ट बॉक्स के केस में अगर आप कोई भी न्यूमेरिक डिजिट एंटर कर दो, फिजिकली आपको 5 और 15 कैसे होना एज ए डिजिट्स, लेकिन रियल केस में टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में अगर कोई भी डेटा एंटर होता है, डेटा इंटरनली कंसीडर होता है एज ए स्ट्रिंग. इसे इसका इक्वलेंट मीनिंग क्या हुआ? लाइक दैट. इसे फिजिकली आपको इंटीजर दिखेगा, लेकिन रियल में टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू या कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं, ये डेटा बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में एंटर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के केस में जस्ट अगर आप रियल में इसके लिए कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ? कन्वर्जन स्ट्रिंग और एरे टू इंटीजर कन्वर्जन. मीन्स कन्वर्जन परफॉर्म करने के बाद आपके लिए ऑपरेशन अप्लाई करना पॉसिबल? डायरेक्टली कोई ऑपरेशन अप्लाई करना पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. देन जस्ट इस केस में प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ? हाउ डू कन्वर्टिंग एनी स्ट्रिंग इन टू इक्वलेंट इंटीजर कन्वर्जन. वन मोर केस, इस टाइप के कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी फंक्शन है ए टू आई. हियर ए स्टैंड फॉर एरे एंड आई स्टैंड फॉर इंटीजर. एरे टू इंटीजर कन्वर्जन, अगर इस केस में जस्ट प्रोवाइड किया 25 एज ए इनपुट, तो इस फंक्शन से जस्ट रिजल्ट में क्या रिटर्न होगा? 25 एज नंबर. इसको किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में असाइन करके देन ऑपरेशन अप्लाई करना पॉसिबल. मीन्स 25 के लिए डायरेक्टली ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन ए टू आई फंक्शन के थ्रू ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इंटीजर्स के फॉर्म. देन सेम ऑपरेशन मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन के फॉर्म में क्रिएट कराना है. हाउ टू क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग एनी स्ट्रिंग इन टू इक्वलेंट इंटीजर नंबर. तो इसके समय मैं जस्ट फंक्शन का नेम यूज करूंगा एज अ कन्वर्ट और कन्वर्जन. दूसरा केस, इसके समय इनपुट में क्या रिक्वायर्ड है? स्ट्रिंग. और आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? जस्ट इंटीजर्स के फॉर्म. इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंटीजर टाइप. वी आर यूजिंग फंक्शन नेम एज कन्वर्ट. नेक्स्ट वन, आर्गुमेंट टाइप एज कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर पॉइंटर ई. क्लियर? देन जैसे मैंने अभी डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है ऑपरेशंस प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा. लॉजिक्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद फाइनली सोर्स कोड राइट डाउन करेंगे. लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आपके पास कोई भी एरे अवेलेबल है लाइक दैट और गिवन फॉर्मेट, जैसे एरे कंटेनिंग न्यूमेरिक डिजिट्स, इससे एरे का टाइप क्या? कैरेक्टर है. लाइक दैट स्टार्ट मैंने कोई एरे डिफाइन किया है, कैर एरे ए इक्वल्स टू 253. उस केस में ए क्या है? एरे नेम. किस टाइप का एरे है? जस्ट
कैरेक्टर टाइम इससे रिप्रेजेंट क्या रहा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट प्लेस पर आसानी क्या हो जाएगा कैरेक्टर टू। तो इसके साथ टू न्यूमेरिक डिजिट है या फिर कैरेक्टर है कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स मेमोरी के अंदर किस फॉर्मेट में स्टोर होते हैं ना फॉर्मेट ऑफ आस्की वैल्यू मीन्स फिजिकली इस प्लेस पर आपको कैसे हो रहा है 253 है जा कैरेक्टर, लेकिन रियल में इस प्लेस पर स्टोर क्या हुआ आस्की वैल्यू ऑफ 2 आस्की वैल्यू ऑफ 5 आस्की वैल्यू ऑफ 3। फॉर एग्जांपल्स इस डिजिट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो पॉसिबल डिजिट्स क्या हैं 0 1 2 3। मेमोरी लेवल पर मीन्स डिजिट्स भी रिप्रेजेंट किस फॉर्मेट में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यूज। अगर आप डिजिट्स को कैरेक्टर्स के फॉर्म में सिंगल कोट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो यानी सिंगल कोट्स को भी कंसीडर क्या करेंगे एज अ कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर होते हैं आस्की वैल्यूज के फॉर्म में। आस्की वैल्यू अरे द आस्की वैल्यू ऑफ 0 48, अरे द आस्की वैल्यू ऑफ 1 49, अरे द आस्की वैल्यू ऑफ 50 51 52। जस्ट ये ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे इसलिए मैं राइट डाउन कर रहा हूँ जिससे आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। सेम है आस्की वैल्यू ऑफ 9 इज 57। दीज आर आस्की वैल्यू ऑफ डिजिट जिस टाइप से अल्फाबेट्स के आस्की वैल्यू ए का आस्की वैल्यू का 65 बी का आस्की वैल्यू का है 66। सिमिलरली डिजिट्स के भी क्या है ऑल्सो आस्की वैल्यू, तो ये ऑपरेशन किस फॉर्म में परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ आस्की वैल्यू। इसे अगर मैं राइट डाउन करता हूँ सिंपली 0, लेकिन 0 इटसेल्फ कंसीडर क्या हुआ एज ए डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऑपरेशन है लाइक दैट 5 + 2 देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इस केस में 5 और 2 का सिंपली एडिशन क्या 5 क्या है इंटीजर नंबर 2 क्या है इंटीजर नंबर, इस केस में रिजल्ट क्या है जस्ट सिंपल एज 7। लेकिन अगर सेम केस में इस टाइप से राइट डाउन करते हैं 5 मैंने राइट डाउन किया सिंगल कोट्स के फॉर्म में 2 राइट किया डायरेक्टली, देन इस केस में रिजल्ट क्या आएगा इस केस में 5 इटसेल्फ फिजिकली आपको कैसे हो रहा है एज इंटीजर, लेकिन रियल में 5 इंटीजर है कैरेक्टर कैरेक्टर एनीथिंग एनक्लोजिंग इनसाइड सिंगल कोड इज नथिंग बट कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में 5 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ आस्की वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट डाउन कर दो a + 2 तो इसके इसमें a के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा a का आस्की वैल्यू, इसका रिजल्ट क्या है 67। सिमिलरली इन दैट केस 5 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 5 का आस्की वैल्यू, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ 5 जस्ट मैंने अभी राइट डाउन किया था 5 का आस्की वैल्यू क्या 53। इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा लॉजिकली 53 + 2, देन रिजल्ट क्या है 53 + 2 इज नथिंग बट 55। दिस इज मीनवाइल डिजिट्स एनक्लोजिंग इनसाइड सिंगल कोट। क्लियर। नेक्स्ट वन अगर आपके पास कोई डिजिट कैरेक्टर्स के फॉर्म में अवेलेबल है लेकिन इसको नंबर में कन्वर्ट करना है किस टाइप से कन्वर्ट करोगे सिंपली किसी भी न्यूमेरिक डिजिट्स को या कैरेक्टर डिजिट्स को अगर डिजिट कैरेक्टर के फॉर्म में अवेलेबल है देन इस कैरेक्टर को जस्ट सब्ट्रैक्ट किससे कराएंगे आस्की वैल्यू ऑफ 0, देन इस केस में आपको रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा एक्चुअल डिजिट एक्चुअल न्यूमेरिक डिजिट। फॉर एग्जांपल जस्ट 0 और 0 को मुझे मीन्स 0 इस केस में क्या है जैसे 0 इस केस में क्या है सिंगल कोट्स के फॉर्म में एज अ कैरेक्टर और एज अ न्यूमेरिक डिजिट एज अ कैरेक्टर, लेकिन अगर आपको डिजिट्स में कन्वर्ट कराना है तो उसको जस्ट सब्ट्रैक्ट किससे कराओगे आस्की वैल्यू ऑफ 0 इटसेल्फ। 0 का आस्की वैल्यू क्या है 48 48 - 48 डिफरेंस क्या रहा है जस्ट 0। सेम है अगर आपके पास कैरेक्टर 1 है सिंगल कोट्स के फॉर्म में और इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 1 को भी सब्ट्रैक्ट किससे कराओगे आस्की वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स के केस में आस्की वैल्यू में एक प्रॉपर कंटिन्यूस डिफरेंस है इसलिए इसको लॉजिकली यूज करना पॉसिबल है। 1 के केस में क्या आएगा 1 का आस्की वैल्यू क्या 49 इस प्लेस पर कंसीडर होगा 49 माइनस 0 का आस्की वैल्यू क्या 48, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 का, तो इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको एज 1। इस टाइप से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करके किसी भी न्यूमेरिक सॉरी किसी भी डिजिट्स को अगर कोई डिजिट कैरेक्टर के फॉर्म में देन इसको 0 के आस्की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके डिजिट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। 0 के आस्की वैल्यू से सब्ट्रैक्शन होना न कि 0 एज डिजिट। क्लियर। नेक्स्ट वन वन मोर ऑपरेशंस अगर आपके पास कोई नंबर अवेलेबल है वैसे नंबर के केस में जस्ट अवेलेबल क्या है लाइक 5, अगर 5 के जस्ट बाद मुझे कोई न्यू डिजिट अपेंड कराना है 7 तो इस केस में परफॉर्म क्या कराओगे दैट ऑपरेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाई 10 इंसर्ट क्या कराना 7, तो नंबर का करंट वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 बिकम्स 50 50 + 7 बिकम्स 57 आसानी के समझ आएगा नंबर में, तो नंबर का न्यू वैल्यू क्या है 57। तो मीन्स इस टाइप का एक्सप्रेशन अप्लाई करके किसी भी न्यूमेरिक नंबर के अंदर लास्ट प्लेस पर यूनिट प्लेस पर न्यू डिजिट इंसर्ट कराना पॉसिबल है। जस्ट ऑपरेशन अभी लॉजिकली रिक्वायर्ड होंगे
इन गिवन केस। अब फाइनली मैं इस केस में डिस्कस क्या कर रहा हूँ, हाउ टू कन्वर्टिंग एनी कैरेक्टर एरे इनटू इक्विवेलेंट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन और इंटीजर नंबर रिप्रेजेंटेशन। इस केस में एरे के अंदर अभी तो मैंने हाईलाइट क्या किया वैलिड डिजिट्स, लेकिन हो सकता है एरे में आपने असाइन क्या किया सम इनवैलिड डिजिट्स लाइक दैट 5ABC और 5AB। तो इस केस में वैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग है इनवैलिड, इनवैलिड। तो अगर कोई भी इनवैलिड कैरेक्टर फाउंड होता है उस केस में जस्ट वो ऑपरेशन स्टॉप करना विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, क्लियर। पीछे कन्वर्जन ओनली किस केस में कराओगे, इफ स्ट्रिंग कंटेनिंग वैलिड डिजिट्स, अदरवाइज नो एक्शन और सम एरर मैसेज। नेक्स्ट इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या करेंगे, सो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एज अ नंबर। ये सभी आपका इनपुट किस फॉर्मेट में, एरे के फॉर्म में, इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा न्यूमेरिक नंबर्स के फॉर्म में। तो रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल यूज करेंगे एज नंबर, नंबर में स्टोर क्या कराएंगे सम रिजल्ट, और नंबर के प्लेस पर जस्ट यूज क्या करूँ वेरिएबल एज रिजल्ट। देन इस एरे को इटरेट करने के लिए यूज क्या करेंगे इटरेटिव वेरिएबल आई, तो जस्ट एक और वेरिएबल क्या रिकॉर्ड होगा इस केस में वेरिएबल नेम एज आई। मीन्स फाइनली सो ऑपरेशन को फिनिश करने के लिए टू न्यू वेरिएबल डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड हैं, वेरिएबल आई एंड रिजल्ट। रिजल्ट के केस में इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे एज जीरो, रिजल्ट आस्क वैल्यू ऑफ सॉरी व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज जीरो। नेक्स्ट इसका वन बाई वन जो भी एरे है, एरे के सारे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट आप ट्रेवर्स करो वन बाई वन, मीन्स एवरी टाइम आपको क्या मिलेगा आइदर डिजिट और सम इनवैलिड डिजिट्स। मीन्स सबसे पहले जो भी आप कैरेक्टर करंट प्लेस रीड कर रहे हो, इसे कोई भी प्लेस एट एनी टाइम कंसिडर क्या हुआ ए ऑफ आई, और आई का वैल्यू जीरो है देन फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आई का वैल्यू वन है देन सेकंड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, आई का वैल्यू टू है देन थर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ, क्लियर। इस फाइनली इस कैरेक्टर को एक्सेस किसके थ्रू करेंगे आई के थ्रू, तो इसको जस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए सारे के सारे कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए यूज क्या करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, क्लियर। लूप को जीरो से स्टार्ट करेंगे, कब तक चलाएंगे जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता, क्लियर। देन एवरी टाइम इंडेक्स में डिफरेंस कितने का वन का यूज क्या करोगे आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन फर्स्ट टाइम जैसे लूप एग्जीक्यूट हुआ तो आई में क्या साइन हो रहा है वैल्यू एज जीरो, करेंटली अभी तो क्या फाउंड हो रहा है ए ऑफ जीरो में टू, बट सपोज दैट अगर मैंने इस प्लेस पर कोई इनवैलिड कैरेक्टर एंटर किया लाइक दैट, देन इस केस में आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने नीड है क्या, नहीं। देन ये सबसे पहले मीन्स डायरेक्टली कन्वर्जन परफॉर्म कराएंगे या पहले करंट वैल्यू चेक करो, पहले चेक करोगे करंट ए ऑफ आई कंटेनिंग वैलिड डिजिट और इनवैलिड, अगर वैलिड डिजिट है देन कन्वर्जन परफॉर्म कराओ अदरवाइज लीव इट, क्लियर। देन मीन्स वैलिड और इनवैलिड फॉर्मेट चेक करने के लिए यूज क्या करेंगे इफ कंडीशन, जस्ट सिंपल कंडीशन अप्लाई करना चेक द गिवन कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट। तो इस केस में गिवन कैरेक्टर डिजिट है कि नहीं, इस केस में कंडीशन क्या था इफ कैरेक्टर सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो एंड इफ द कैरेक्टर सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ नाइन। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या सी एच कंटेनिंग वैलिड डिजिट्स सेम है, अगर जीरो के प्लेस पर कैपिटल ए यूज करते हैं नाइन के प्लेस पर कैपिटल जेड यूज करते हैं, ये कंडीशन किस लिए बन जाएगा चेक द गिवन कैरेक्टर वैलिड अपर केस अल्फाबेट और नॉट। सेम कंडीशन स्पेस पर अप्लाई करें, लेकिन यहाँ सी एच के प्लेस पर क्या आएगा ऑपरेशन सी एच के लिए अप्लाई करें ए ऑफ आई के लिए, ए ऑफ आई के लिए, तो सी एच के प्लेस पर क्या यूज करें जस्ट ए ऑफ आई इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो एंड ए ऑफ आई और आस्की वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ नाइन। देन अगर एक कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है देन आप 100% श्योर हो ए ऑफ आई में क्या स्टोर है करेंटली ए ऑफ आई कंटेनिंग वैलिड न्यूमेरिक डिजिट्स। अगर ए ऑफ आई के अंदर वैलिड डिजिट है क्योंकि डिजिट किस फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में, तो इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करें जस्ट अभी मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई कैरेक्टर लाइक 5 और कैरेक्टर लाइक 2, तो 2 को जस्ट डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई क्या करोगे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, किसी भी डिजिट का आस्की वैल्यू का जीरो से सब्ट्रैक्ट कराओगे। इस केस में मीन्स 2 का आस्की वैल्यू क्या है जस्ट मैंने राइट डाउन किया था आस्की वैल्यू ऑफ 2 इज 50, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो इज 48, डिफरेंस क्या रहा इस केस में 2। इस केस में 2 क्या है एज अ कैरेक्टर और एज अ डिजिट, इसे ऑपरेशन आपको क्या देगा एक्चुअल डिजिट। तो डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट या 2 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे ए ऑफ आई, क्योंकि कन्वर्जन किसके लिए करना है ए ऑफ आई के लिए, तो यूज क्या करोगे ए ऑफ आई माइनस
ASCII वैल्यू ऑफ जीरो, या फिर जीरो के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर सकते हैं डायरेक्टली 48, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स। नेक्स्ट वन, इस केस में इस डिजिट को 3 को मैं कंसीडर करना चाहिए जीरो, जिससे सारे केस टेस्ट करना पॉसिबल हो। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन आप श्योर हो ए ऑफ आई के अंदर डिजिट है, देन डिजिट है, देन डिजिट को नंबर्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि इस केस में जो भी डिजिट आएगा इसको स्टोर किस में करा, उसमें वेरिएबल एज रिजल्ट। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को रिजल्ट में डायरेक्टली सेंड करता हूँ देन चेक करें इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। मीन्स करेंटली आई का वैल्यू क्या है जीरो, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो में क्या है डिजिट और कैरेक्टर टू, टू का आस्की वैल्यू क्या है 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48, क्योंकि जीरो का मीनिंग क्या है 48। और सिंपली मीन्स 5 का आस्की वैल्यू कंपेयर किससे हो रहा है जीरो से, 5 का आस्की वैल्यू क्या है 53 और जीरो का आस्की वैल्यू क्या है 48। मीन्स 53 48 से बड़ा है और 57 से छोटा है, मीन्स दोनों ही कंडीशन ट्रू है। इसलिए इस प्लेस पर ए ऑफ आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ ए ऑफ आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू जीरो है, जीरो इंडेक्स में क्या है कैरेक्टर एस 2, तो इस प्लेस पर क्या आएगा 2 माइनस जीरो। 2 का आस्की वैल्यू क्या अभी डिस्कस किया था, आस्की वैल्यू ऑफ 2 इज 50, आस्की वैल्यू ऑफ 0 इज 48, डिफरेंस इज 2। 2 किस में साइन हो जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में, तो रिजल्ट की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 2। इस केस में रिजल्ट के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, अगर स्ट्रिंग के अंदर 250 है रिजल्ट में भी फाइनली क्या स्टोर होना चाहिए 250। क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस टाइप से डायरेक्टली साइन कराओ तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा इसका रिजल्ट 5, देन 2 रिप्लेस किसको, सॉरी 5 रिप्लेस किसको करेगा 2 को। अब आप क्या चाहते हो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिजिट 2 को रिप्लेस करना चाहिए 2 के लास्ट में अपेंड होना चाहिए, 2 के लास्ट में अपेंड होना चाहिए, तो लास्ट में अपेंड करने के लिए यूज क्या करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डिजिट। ये सारे लॉजिक ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ 1 by 1 क्या कहते। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया 2 प्लस रिजल्ट, रिजल्ट का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था जस्ट 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हुआ 0, 0 प्लस 2 इज 2, 2 आसानी किस में जाएगा रिजल्ट, इसलिए रिजल्ट का करंट वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट वन, अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा फोर लूप, फोर लूप के केस में परफॉर्म क्या हुआ I++ के अकॉर्डिंग I की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वो I किसको रेफर करेगा नेक्स्ट एलिमेंट, मीन्स प्रीवियस केस में 0 को रेफर कर रहा था 1, मीन्स 1 इंडेक्स में क्या स्टोर है 5। अगेन कंडीशन टेस्ट होगा ASCII वैल्यू ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ASCII वैल्यू ऑफ 0 एंड ASCII वैल्यू ऑफ 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू ASCII वैल्यू ऑफ 9, मीन्स दोनों ही कंडीशन कैसे ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन अगेन बॉडी पार्ट एक जीरो है, रियल में कंपेरिजन किसका हुआ ASCII वैल्यूज का, 5 के प्लेस पर क्या आएगा 53, 0 के प्लेस पर 48, 53 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 कंडीशन ट्रू, 53 लेस देन इक्वल्स टू 57 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन अगेन सेम केस एग्जीक्यूट हुआ, तो रिजल्ट का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है 1 और ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है कैरेक्टर 5 माइनस ASCII वैल्यू ऑफ 0, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 20 प्लस 5 का ASCII वैल्यू क्या है 53, 0 का ASCII वैल्यू क्या है 48, डिफरेंस इज 5 प्लस 20 इज 25, ये 25 आसानी किस में जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट का न्यू वैल्यू क्या आएगा जस्ट 25 आना भी चाहिए क्योंकि आप 2 को भी रीड कर चुके हो 5 को भी रीड कर चुके हो। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा I++ होगा, तो I के केस में नेक्स्ट टाइम I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का करंट वैल्यू क्या है 1, तो I++ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू क्या होगी 2, तो I नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करेगा मीन्स सेकेंड इंडेक्स, और सेकेंड इंडेक्स में क्या स्टोर है 0, देन अगेन ASCII वैल्यू ऑफ 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ASCII वैल्यू ऑफ 0, मीन्स 0 का ASCII वैल्यू 0 से बड़ा तो नहीं लेकिन 0 के इक्वल है कंडीशन ट्रू, 0 का ASCII वैल्यू 9 से छोटा है कंडीशन ट्रू, देन अगेन परफॉर्म क्या रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई, रिजल्ट का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 25 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई आई का वैल्यू क्या है 2 और सेकेंड इंडेक्स में क्या है 0, तो ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या है कैरेक्टर 0 माइनस 0, देन 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या है 250, 0 का ASCII वैल्यू 0 से सबट्रैक्ट करेंगे ASCII वैल्यू क्या 48 माइनस 48 रिजल्ट इज 0, 250 में 0 ऐड कराओगे ना रिजल्ट क्या आएगा ऑल्सो 250, तो 250 आसानी किस में जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट की न्यू वैल्यू क्या होगी इस केस में 250। क्लियर। इस तीनों डिजिट रीड हो चुके प्लस आसान हो चुके हैं, इसके जस्ट बाद
अगेन परफॉर्म क्या होगा, आई प्लस प्लस, और आई का वैल्यू क्या नेक्स्ट टाइम थ्री, आई का वैल्यू क्या इस केस में थ्री, इसलिए मीन्स फोर लूप के अंदर प्रीवियस केस में पास क्या हुआ था, फोर लूप के अंदर फर्स्ट टाइम क्या पास हुआ था, आस्की वैल्यू ऑफ टू मीन्स नॉन जीरो, नेक्स्ट टाइम आस्की वैल्यू ऑफ फाइव नॉन जीरो, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो का भी आस्की वैल्यू क्या है 48, तो 48 इट से लेकर नॉन जीरो, मीन्स इन तीनों ही केस में फोर लूप का कंडीशन कैसा था ट्रू। लेकिन जैसे ही इस केस में ए ऑफ थ्री पास होगा, आई का वैल्यू क्या है थ्री, तो ए ऑफ थ्री के केस में अवेलेबल क्या है नल, और नल का आस्की वैल्यू क्या है जीरो, फोर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। जैसे ही कंट्रोल लूप के बाहर आएगा देन आप इमीडिएटली रिटर्न क्या कराओगे इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर, तो जस्ट इस स्ट्रिंग का इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर कन्वर्ट होने के बाद स्टोर किस में वेरिएबल रिजल्ट में 250, तो लूप के जस्ट बाहर आप रिटर्न क्या कराओगे रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। लेकिन अभी मैंने ये ऑपरेशन ओनली किस केस में एक्शन किया, ओनली इन केस ऑफ इफ स्ट्रिंग कंटेनिंग वैलिड डिजिट्स, बट सपोज दैट स्ट्रिंग के अंदर कोई भी इनवैलिड डिजिट होता है, जैसे फर्स्ट केस में ही अगर मैंने टू के प्लेस पर ए एंटर किया तो ये कोई वैलिड डिजिट है क्या, नहीं, देन इस केस में क्या आएगा जस्ट दैट कंपेरिजन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है अगेन ए, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है कैपिटल ए लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ नाइन, चेक करो इस केस में कंडीशन टू या फॉल्स है, ए मीन्स 65 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकेंड कंडीशन 65 लेस देन इक्वल्स टू 57 कंडीशन इज फॉल्स। तो इस केस में इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं, पर इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है चांस किसको मिलेगा इस केस में एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के केस में जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओगे इमीडिएटली, मीन्स इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं इनवैलिड डिजिट अपीयर हो चुका है, और इनवैलिड केस में मैं जस्ट रिटर्न क्या कराऊंगा रिटर्न जीरो, रिटर्न क्या करा हुआ है रिटर्न जीरो, या तो आप रिटर्न जीरो राइट डाउन कर सकते हो, या फिर लूप का एग्जीक्यूशन भी स्टॉप करा सकते हो, जस्ट इस केस में क्या आएगा ब्रेक टू टर्मिनेट द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, इस केस में लूप फर्स्ट टाइम में टर्मिनेट हो चुका है, देन कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड रिटर्न सॉरी आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, देन इस केस में रिटर्न क्या हो चुका है रिजल्ट, और रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या था जीरो, इस केस में रिटर्न क्या हुआ जीरो। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, इस केस में जस्ट मैंने एंटर क्या किया है लाइक दैट फाइव फर्स्ट डिजिट वैलिड है लेकिन सेकेंड डिजिट इनवैलिड है लाइक दैट, इस केस में भी अगेन चेक करते हैं इस केस में किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, मीन्स फर्स्ट टाइम सॉरी रिजल्ट, रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या था जीरो, इस केस में जब लूप एग्जीक्यूट तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा जीरो, और ए ऑफ जीरो में क्या है फाइव, तो रिजल्ट में क्या आसान हो जाएगा फाइव, क्योंकि फाइव के केस में इफ कंडीशन कैसा है ट्रू, देन रिजल्ट क्या आसान हो जाएगा फाइव, मीन्स फाइव को आप रीड कर चुके हो क्लियर। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा ए, तो ए के केस में चेक करें, ए के केस में इफ कंडीशन कैसा है फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा एल्स, एल्स में ब्रेक, ब्रेक से कंट्रोल कहाँ जाए आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बाद रिटर्न क्या वैल्यू ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट का करंट वैल्यू क्या है फाइव, तो रिटर्न क्या हो जाए फाइव, फाइव रिटर्न होने का मतलब क्या मीन्स स्टार्टिंग के सारे वैलिड डिजिट तो रीड हो रहा है, लेकिन जैसे ही इनवैलिड डिजिट फाउंड होता है ना इमीडिएटली लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए क्लियर। मीन्स ऐसे गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी कैरेक्टर एरे को, और कैरेक्टर एरे के अंदर वैलिड डिजिट्स अवेलेबल है इसको करेस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, देन टेस्ट करने के लिए जस्ट प्रोवाइड क्या कर सकते हो मेन फंक्शन वाइड मैन, मैन के अंदर जस्ट रिक्वायर्ड क्या हुआ कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशंस। वन मोर केस, यहाँ मैंने लॉजिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो, मीन्स आपको पता होना चाहिए इस केस में मैंने वेरिएबल का टाइप के लिए आया इंटीजर, और इंटीजर के अंदर अप टू फाइव डिजिट, मीन मैक्सिमम फाइव डिजिट का नंबर स्टोर कराना पॉसिबल, अगर इंटीजर का साइज टू बाइट है, अगर इंटीजर का साइज फोर बाइट है इन केस ऑफ 32 बिट कंपाइलर और 64 बिट कंपाइलर, देन इसका रेंज क्या हुआ 21, 47, 48, 36, 47, इस केस में अप टू 10 डिजिट तक का नंबर स्टोर कराना पॉसिबल है। तो इस केस में वैल्यू या रेंज क्या अटेनमेंट, मीन्स आप यहाँ रेंज को कॉन्सोलिडेट नहीं करो, कॉन्सोलिडेट किस करोगे लॉजिक्स को, हाउ टू प्रोवाइडिंग दिस कन्वर्जन क्लियर। देन जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा इंटीजर वेरिएबल समथिंग नंबर, देन स्ट्रिंग रीड करने के लिए स्ट्रिंग के थ्रू रीड क्या करना चाहते हो जस्ट न्यूमेरिक स्ट्रिंग, सप्लाई किया मैंने गेट्स ए,
देन इसको मीन्स अभी ए के अंदर स्ट्रिंग के सॉरी इस केस मैंने एंटर किया जाए 25, तो 25 ए में किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म। इसको जस्ट नंबर में कन्वर्ट कराने के लिए कॉल क्या कर लेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन एज कन्वर्ट, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए टू आई, ए टू आई इज अ लाइब्रेरी फंक्शन कन्वर्ट। और कन्वर्ट में सप्लाई क्या करोगे, कैरेक्टर एरे ए, देन डिस्प्ले क्या करा सकते हो, प्रिंट एफ नंबर। अगर इस नंबर का आपको स्क्वायर डिस्प्ले कराना है तो सिंपली यूज क्या कर लोगे, मीन्स अगर ओरिजिनल नंबर डिस्प्ले कराना है यूज क्या करेंगे, नंबर। अगर इसका स्क्वायर डिस्प्ले कराना है यूज क्या कर सकते हो, नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर। क्लियर। इस तरह से किसी भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इक्विवेलेंट इंटीजर एरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट केस में जस्ट मैं इससे रिलेटेड एनदर प्रोग्राम डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू स्क्वायर ऑपरेशंस।